और याद रखिएगा मेरी एक एक बात याद रखिएगा, हमारा सबसे बड़ा मसला यह है हम लोगों को मनोहरा शुरू कर दिया। भाई जिसने चार और चार नौ होते हैं, पहले नतीजा निकाल लिया हो ना, उसको आप आठ पे मनवा नहीं सकते। जिसको चार और चार नौ लग जाए ना, उसको क्या आपने पहले हजरत वाला वो समझाना है कि चार और चार भाई आठ होते हैं। समझ रहे हैं कि बात है? आप जरा आगे चलिए, एक और बात बता रहे, शाह वली मुहदस दिल्ली किबला जानते हैं, मसलक के अहले हदीस के लोग हो, मसलक के देवबंद के लोग हो, सब इनका एहतराम करते हैं, क्योंकि ये दरवाजा है उसूल हदीस के शुरू होने का बरसगीर के अंदर है। उन्होंने अपनी किताब के अंदर ये बात लिखी, कहते हैं कि मैं ख्वाब के अंदर क्या देखता हूँ, ख्वाजा नक्शबंद रहमतुल्लाह ताला वो मौजूद है, कहो सुभान अल्लाह, हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला ने वो मौजूद है, कहते मैं ख्वाब के अंदर देख रहा हूँ, कहते मुराकबे की कैफियत के अंदर है, औलिया मौजूद है। मैंने एक से पूछा ये क्या हो रहा है, कह लगे एक मुझे कह लगे हम हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी अली रहमत हजरत अली उल मुर्तजा के आने का इंतजार कर रहे हैं, हजरत अली के मौला कायनात के आने का इंतजार कर रहे हैं। वो कहते हैं जब मैंने थोड़ी देर बाद देखा तो देखता क्या हूँ, मौला कायनात आ रहे हैं। आगे कहिएगा सुभान अल्लाह, कहते उनके हाथ के अंदर हाथ है हजरत वैसे करनी का। अगर मैं ये हवाला आपके सामने पेश ना करूं, फकीर चुरमदार है, वो कहते हैं हाथ उनके हाथ के अंदर है तो सामने एकदम हुजरा जाहिर होता है, अनवार की बारिश होती है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दस दिल्ली कहते हैं मैं ये पूछता हूँ ये किस महफल के अंदर आए हैं, वो कहने लगे ये हुजूर गौसे पाक के उर्स की महफल के अंदर आए हैं। पता है कौन कौन आता है, आपको क्या पता कौन आया हुआ है? समझ रहे हैं कि नहीं? मुझे अपने ईमान से बताएं, नई रूहानियत महसूस हो रही नहीं? मुझे बताएं सुबह दोपहर में दिल क्या था, अब दिल क्या है? दिल तो वही है ना, लेकिन पहले कुछ क्यों था, अब कुछ क्यों है? कुछ तो है ना जिसकी पर्दादारी है। समझ रहे हैं कि नहीं है? अगली बात सुनिए, वो अल्लाह के बंदो ये जो आप नाम लेके कहते हो ना, या रसूलल्लाह आपकी बारगाह में ये हमने जो कुछ पढ़ा पेश करते हैं कबूल करो। पूछो कि मुजद्दिद एक हजार साल के मुजद्दिद, आला हजरत सौ साल के मुजद्दिद है, ये एक हजार साल के मुजद्दिद है। मुजद्दिद अल-फिसानी फरमाते हैं मैं खाना पका के ना तो मैं उसका सवाब साल करता था हुजूर की बारगाह में, इमाम हसन और इमाम हुसैन की बारगाह में, हजरत बीबी फातिमा तुज़्ज़हरा की बारगाह में और हजरत अली मुर्तज़ा की बारगाह में। कहते हैं मैंने ख्वाब देखा, नबी पाक आए लेकिन मेरी तरफ नजर नहीं कर रहे। कहते हैं मैं थोड़ा सा आगे हो गया, अर्ज की या रसूलल्लाह आप नाराज हैं? बड़ी तवज्जो की। कहते हैं मैं पढ़ के ना सिर्फ इनको इशारा किया करता था बस। कहते हैं हुजूर आ गए नजर नहीं फरमाई, मैंने कहा अर्सुल्ला नाराज है? इतनी बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कहिएगा ताकि पता लगे कि आप पक्के सुनी बैठे हुए हैं। कहते हैं नबी पाक ने फरमाया मुझे खाना आता है आयशा के घर से, जिसने खाना भेजना हो ना आयशा के घर से भेजा करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तुम सबका नाम लेते हो, मेरी आयशा का नाम क्यों नहीं लेते पर्दे के दौरान? समझ रखे हो ये सुनियों का हादसा है। भाई जब हम साले सवाब करते हैं, अज़वाज मुतहरात को भी शामिल करते हैं, हम आल को भी शामिल करते हैं, हम असहाब को भी शामिल करते हैं, क्यों? क्योंकि नबी की मोहब्बत हमारा ईमान है, सहाबा की मोहब्बत हमारी शान है, अहले बैत की मोहब्बत हमारी जान है, और वलियों की मोहब्बत और सुनियों की पहचान है।